टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के सम्राट नगर में एक इमारत झुकने से हड़कंप मच गया है। 5 मंजिला इमारत ये कल रात में करीब 11:30 बजे के आसपास झुक गई है। आपको बता दें कि ये इमारत बिल्कुल नाले से लगकर बनाई गई थी और बिल्डर का नाम मुन्ना बताया जा रहा है। इस बिल्डिंग के निर्माण कार्य पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह का घटिया मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया था कि महज 12 सालों में ही ये इमारत झुक गई। हालांकि सूचना मिलते ही मनपा कर्मचारी दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर रात को ही इस 5 मंजिला इमारत को खाली करा दिया था। एहतियात के तौर पर झुकी हुई इमारत के सामने ही एक फेमस बेकरी है, उसको भी खाली करा दिया गया है। आसपास की और भी कई इमारतों को एहतियात के तौर पर खाली करा दिया गया है। इस इमारत का नाम प्रियंका अपार्टमेंट बताया जा रहा है। मनपा कर्मचारी ने बताया कि ये 5 मंजिला इमारत नाले से लगकर बनाई गई थी, जो बेहद ही खतरनाक है। 8 परिवार इस इमारत में रहते थे, मगर सभी 8 परिवारों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है और बिल्डर का नाम मुन्ना बताया जा रहा है। मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने बताया कि मुन्ना बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि 2008 में इस इमारत को बनाया गया था और 2020 में ही ये इमारत झुक गई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज 12 सालों में ही ये 5 मंजिला इमारत झुक गई। किस तरह का मटेरियल इस इमारत के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया गया था, लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ 5 से 6 मंजिला इमारत बनाकर लोगों से बेच दिया जाता है और ऐसी इमारतों में लोग रहने लगते हैं और अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। बेहद ही खतरनाक स्थिति में ये इमारत झुकी हुई है और मनपा ने इस इमारत को तोड़ने का काम भी अब शुरू कर दिया है, क्योंकि कभी भी ये इमारत गिर सकती थी। मनपा ने ये भी जानकारी दी है कि इस इमारत में जो 8 परिवार रहते थे उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। सुनिए मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने क्या कुछ जानकारी दी है। प्रियंका नाम ये बिल्डिंग का नाम है, प्रियंका A+5 की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग 5 माले की 20x25 में बनी गई और नाले के बिल्कुल टच करके बनाई गई। कल रात को 11:30-12 बजे फोन आया, हम 12 बजे इधर आए तो देखा कि बिल्डिंग टिल्ट हो गई एक साइड में नाले के बाजू में, तो तुरंत उन लोगों को खाली किया, रात को ही खाली किया। उन लोगों ने भी अच्छा सपोर्ट किया, तुरंत नीचे उतर गए। अरे बेकरी वाले भी बाजू वाले थे 13-14 लोग और इसमें 8 फैमिली रहती है, उन सब लोगों ने बाहर निकाल के खड़े हो गए और वो बिल्डिंग का झुकना चालू है, इसके लिए इमरजेंसी हम तोड़ना चालू करते हैं। तो कितना परिवार रहता है इसमें? 8 परिवार रहते हैं इसमें। 8 परिवार। अभी ये जो खाली किए तो उनको कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा? रात को इन लोगों ने अपने जो सगे वाले है, रात को 12-1 बजे तो कोई सोर्स नहीं था, तो सगे वाले के पास एडजस्ट हो गए। अभी हमारे बड़े साहब आए थे, उनको मैं रिक्वेस्ट किया कि लोग गरीब है और उन्होंने कैसे रात में अपने को एक वोट के ऊपर पूरा बिल्डिंग खाली करके दिया, तो जिधर मिलेगा उधर हम कोशिश कर रहे हैं उनको। आयता तो धोखादायक में बिल्डिंग में घर देने का कोई कानून नहीं है, मगर बारिश का है, इंसानियत के नाते से साहब को मैं रिक्वेस्ट किया कि जिधर राजस्थान साहब बोले कि 2 घंटे में हम बता देंगे। तो ये अच्छा बिल्डर का क्या नाम है, क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्डर का नाम क्या है? मुन्ना। क्या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी कि 2008 में अगर ये बिल्डिंग बनी है तो इतने कम सालों में फिर ये इतनी डैमेज कैसे हो गई? नहीं देखो, मैं तो वो बिल्डर को छोड़ूंगा नहीं, ये गरीब लोगों को फंसाया उसने, तो मैं वो अक्कड़ साहब का भी मैं बोला है उसको ढूंढ के निकालूंगा, उसके ऊपर गुनाह दाखिल करूंगा। थैंक यू। मुंब्रा शहर में ऐसे और भी कई इमारत है जो बेहद ही घटिया मटेरियल और ऐसे नालों पर निर्माण किया गया है जो धोखादायक है। बहरहाल इस इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया गया है और मुन्ना बिल्डर पर भी अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।